सागर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद, यह चलते लोगों पर कर रहे हैं जानलेवा हमला। सुबह करीब 5:30 बजे तिलकगंज निवासी एक लड़की सुबह की सैर के लिए जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात बाइक सवार ने उस पर कटर से हमला कर दिया। हमले में लड़की को गंभीर चोटें आई है। मामले की शिकायत घायल युवती द्वारा थाना कैंट में दर्ज कराई गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर घायल दीक्षा ठाकुर ने बताया कि वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही है, जिसकी तैयारी करने के लिए वह रोज़ सुबह दौड़ने के लिए कैंट क्षेत्र में जाती है। आज सुबह जब वह घूमने के लिए कगडियाडो घाटी पर पहुंची, तो अज्ञात युवक ने पीछे से आकर उस पर कटार से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। पर जो कटर से ग्राहक करने का मामला सामने आया, क्या जानकारी है? आज सुबह की घटना है ककरिया घाटी में। 5:30 बजे सुबह लड़की है वो जो घूमने गई थी, तो कोई मोटरसाइकिल से एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसको पीछे से जान में कटर मार दिया है। रिपोर्ट हुई है थाने में और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पूछताछ और जानकारी करके आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कहाँ की निवासी बताई जा रही है? ये गोपालगंज क्षेत्र की रहने वाली है। कहाँ जा रही थी आप और सुबह क्या घटनाक्रम हुआ है? सुबह हम रनिंग पर जा रहे थे और वहाँ से पीछे से एक लड़का आया और पीछे से हमें कटर मारता हुआ जांग में और निकल गया सीधा। तो आपने उसकी शक्ल देख पाई थी? शक्ल नहीं देख पाई थी, क्योंकि जहाँ जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ की स्ट्रीट लाइट सारी खराब पड़ी हुई है, वहाँ अंधेरा पड़ा रहता, कैंट का एरिया लगता है, इस वजह से उसकी शक्ल भी नहीं दिखी और गाड़ी भी नहीं दिखी सही से कि कौन सी गाड़ी है। कहाँ की निवासी हैं आप, कहाँ रहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।